कैसे हैं आप लोग? देखिए, इस बार का TNPL 23 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो 31 जुलाई तक चलेगा। देखिए, लास्ट ईयर TNPL फ्लॉप हो गया था। मैक्स टू मैक्स के बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे और ये इनकी इतनी जल्दबाजी में इन्होंने जो ये खाली एक तरह से ऑर्गेनाइज़ किया था, पूरी तरह से TNPL फ्लॉप चला गया था, ठीक है। तो इस बार ये वापस से कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सारे बड़े प्लेयर्स का भी नाम है, ठीक है, इनके स्क्वाड्स में, और मैक्स टू मैक्स वो आपको खेलते दिख सकते हैं। जैसे दिनेश कार्तिक हो गया आपका, साई किशोर है आपका, वॉशिंगटन सुंदर, ये सब नहीं खेलते हैं, कहीं ना कहीं वो इंडिया की टीम में सेलेक्ट होते हैं, बाहर रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पर इस बार मैक्स टू मैक्स उनका भी ट्राई रहेगा कि वो सारे टूर्नामेंट में फुल अवेलेबल रहे। इससे थोड़े व्यूअरशिप भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं नाम भी TNPL का इसीलिए होता है, ठीक है। काफी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। देखिए, TNPL एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बिकॉज इंडिया की जो सबसे बड़ी, जो आप बोल सकते हैं एक तरह से एक ब्रांड है, जो तमिलनाडु की टीम, वो उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। चाहे वो अभी T20 का भी कंटेस्ट जीत के आ रहे हैं, शाहरुख खान थे, ठीक है, तो बहुत अभी इनके जो ODI था उसके भी फाइनल तक पहुंचे थे। तो इन तमिलनाडु को हराना बहुत मुश्किल है, और यहीं से प्लेयर इंडिया को मिलते हैं, जैसे नटराजन का नाम यहाँ से हुआ है, तो बहुत सारे प्लेयर हैं, ठीक है। तो इस बार मैक्स टू मैक्स आपको बड़े प्लेयर्स देखने मिलेंगे। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो फ्लॉप हुआ था। अब ये 6वां एडिशन होगा, ठीक है, और 23 जून से लेकर के 31 जुलाई तक चलेगा। 8 टीम खेलेंगी, सारी टीम आपस में एक एक मैच खेलेंगी, तो टोटल 28 मैच होगा। इसके बाद आपका वही एलिमिनेटर और एलिमिनेटर के बाद आपका फाइनल होगा, जो इसको प्ले ऑफ और फाइनल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब टोटल 32 मैचेस होंगे। टाइमिंग्स आपका वही रहेगा, दोपहर के कुछ मैचेस रहेंगे, जैसे सैटरडे संडे वगैरह हो गया। मैचेस तो आपको अच्छे खासे देखने मिल जाएंगे इस एक मंथ में, ठीक है। बाकी इस बार दो नए वेन्यू शायद हुए हैं, ठीक है, तो 4 टोटल, तिरुनेल वेली, नैथम, कोयम्बटूर और सलेम, इसमें आपके मैचेस होंगे। वेन्यूज़ में इन सबसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। मैचेस किधर होंगे, एक दो मैच आप देखोगे लाइव, तब आपको पता चलेगा ग्राउंड कैसा बिहेव कर रहा है। जब नाम वगैरह से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। डिफेंडिंग चैंपियन आपकी जो चेपक सुपर गिलीज है, ठीक है, लास्ट ईयर का ये जीते हैं, पर लास्ट ईयर फ्लॉप चला गया था एक तरह से देखा जाए, तो इस बार मज़ा दे सकता है। बड़े बड़े टूर्नामेंट, बड़े बड़े जो नाम है वो भी आपको मिल सकते हैं, बिकॉज दिनेश कार्तिक के सब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो टीम इंडिया में नहीं है अभी। आपका इनका भी खराब फॉर्म चल रहा है, वॉशिंगटन सुंदर का आप बोल सकते हो फिटनेस भी इशू है, तो यहाँ से आके वो फिटनेस गेन कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, ये टूर्नामेंट अच्छा हो सकता है। टीम वाइज एनालिसिस भी मैं आपको करके दूंगा, 8ों टीम का एक तरह से स्क्वाड तो आ गया है, उसके ऊपर भी मैं आपको बना के बताऊंगा, बट अभी के लिए ये है कि ये भी एक टूर्नामेंट अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो टूर्नामेंट अच्छे अच्छे आएंगे, आपको सही तरीके से खेलना है, आप बस जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करिए, ठीक है। अब टूर्नामेंट वाइज प्लान मैं भी बनाऊंगा आपके लिए, आपको जो भी इशू है मेरे टेलीग्राम पर आप आ सकते हो, करेंगे कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए तो मैं चलता हूँ दोस्तों, ठीक है।